हमारे साथ हैं मिस नूरी। जी हाँ नमस्ते। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस बेहतरीन शो में हम थोड़ी सी निंदा करते हैं, थोड़ा सा शरारत करते हैं, पर बात वो ही कहते हैं जो दिल को छू जाए और ना ही आपको ठेस पहुँचाए। आज हमारे शो में हम लेकर आए हैं आपके सामने सुजीत सरकार की मूवी अक्टूबर का रिव्यू। उनके साथ एक बहुत ही प्यारी लड़की जिनका एक खूबसूरत सा नाम है शिवली यानी वनीता संधु, जो अपने काम पे फोकस देती हैं और एकदम से परफेक्ट है। और साथ ही साथ उनके कई सारे दोस्त हैं जो अपने करियर बनाने में जुटे हुए हैं। जब डैन को ये मालूम पड़ता है कि शिवली हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़रूर उसे मिलने जाता है और उसकी ये बुरी सी हालत देखकर वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। पर जब उसको पता चलता है, जब उसके दोस्त लोग उसको ये बताते हैं कि गिरने से पहले शिवली ने उसके बारे में पूछा था, तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि अब तो उसको कोमा से बाहर निकलना होगा ताकि वो उसको बता सके कि वो कहाँ था उस रात। जी हाँ, और उनके ऑपोजिट कास्ट की गई वनीता संधु एक बेहतरीन एक्टर निकली। अपने पहली मूवी में उन्होंने एक सीरियस रोल निभा कर ये प्रूव कर दिया है कि वो बेस्ट हैं। हिंदी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ दी और जाहिर सी बात है अब ऑडियंसेस को उनसे काफ़ी उम्मीद रहेगी। और शायद ही हमारे दर्शकों को ये मूवी पसंद ना आए, क्योंकि इस मूवी में ना ही कोई सॉन्ग्स है, ना एक्शन सीन्स और ना ही कॉमेडी। जी हाँ, और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदी सिनेमा में एक तरीके की मूवी बनाई जाती हैं, पर इस बार लीक से हटकर ऐसे डायरेक्टर्स आए हैं जो बहुत ही डिफरेंट मूवीज़ बना रहे हैं। ब्लैकमेल और अक्टूबर मूवी के रिव्यू के ये सिलसिले को हम जारी रखेंगे और नेक्स्ट वीक आएंगे आपके सामने वापस एक ऐसी ही अनोखी मूवी के साथ, राजकुमार राव के अभिनय से सजी हुई। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो CTRL इन्फोटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे।